दुबई में 640 करोड़ का विला, लंदन में 592 करोड़ का बंगला, 24 करोड़ की घड़ी, 10 करोड़ की कार और स्विट्जरलैंड में छुट्टियां। कुछ ऐसा ही लाइफस्टाइल आप और हम शायद सपने में इमेजिन करते होंगे, लेकिन ये लाइफस्टाइल खुद जी रहे हैं अनंत अंबानी। देख के आपको भी चक्कर आ गए होंगे ना। कुछ ऐसा ही चक्कर आया था मार्क ज़करबर्ग को जब उन्होंने अनंत की घड़ी देखी थी। इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल की एक झलक तो आपने प्री वेडिंग फंक्शन में देखी ली होगी। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी इस साल 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट से शादी करने वाले हैं। राधिका शैला मर्चेंट की छोटी बेटी है जो ऑनकोर हेल्थ केयर की फाउंडर और मालिक है। अनंत और राधिका काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। 1 से 3 मार्च तक यानी कि 3 दिनों तक इनकी शादी का प्री वेडिंग फंक्शन चला, जिसमें बिजनेस टाइकून, मशहूर हस्तियों, राजनेताओं और खेल सितारों ने शिरकत की। करीब 1200 एलीट मेहमानों में बिल गेट्स, इवांका ट्रंप और फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग जैसे विदेशी हस्तियों के साथ साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और तमाम भारतीय अरबपति शामिल हुए। सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए पॉप स्टार रिहाना को भी बुलाया गया। माना जा रहा है कि रिहाना ने यहां परफॉर्म करने के लिए 66 करोड़ रुपए लिए हैं। तो चलिए आज आपको दर्शन कराते हैं अनंत अंबानी की लग्जूरियस लाइफस्टाइल के, ऐसा लाइफस्टाइल जो शायद आपने फिल्मों में भी नहीं देखा होगा। दुबई में 640 करोड़ का विला। अनंत अंबानी ने हाल ही में दुबई के पाम जुमेरा में विला खरीदा है जिसकी कीमत है 640 करोड़। माना जाता है कि पाम जुमेरा दुबई की सबसे महंगी जगहों में से एक है। ये पहली बार है जब दुबई के पाम जुमेरा में किसी ने इतना बड़ा निवेश किया हो। इस विला में 10 बेडरूम है, साथ ही इंडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल्स भी हैं। यहाँ एक प्राइवेट स्पा और प्राइवेट बीच भी है। और खास बात यह है कि इस जगह पर शाहरुख खान और मशहूर फुटबॉलर डेविड बेकहम ने भी घर लिया है। लंदन के स्टॉक पार्क में बंगला। अनंत का एक आलीशान बंगला लंदन में भी है। लंदन के स्टॉक पार्क में मौजूद ये बंगला 300 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे 2021 में उन्होंने 592 करोड़ में खरीदा था। हालांकि अब इसको 5-स्टार होटल में बदल दिया गया है। इस होटल में 49 कमरे और स्वीट्स हैं, ग्रॉल कोर्ट, एक झील और ब्रिज मौजूद है। लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन। अनंत को लग्जरी गाड़ियों का शौक है। उनके कार कलेक्शन में प्रीमियम और लग्जरी फीचर्स के साथ आने वाली रोल्स रॉयस फैंटम और बेंटले बेंटागिया जैसी गाड़ियां शामिल है, जिनमें से रोल्स रॉयस फैंटम की कीमत है 10 करोड़। आपको बता दें कि रोल्स रॉयस कार हैंडमेड होती है। ये गाड़ी अपनी लग्जरी और कंफर्ट के लिए मशहूर है। फरारी SF90 स्ट्रैडल, कीमत 7.5 करोड़। इसकी खासियत यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल लगा हुआ है। बेंटले बेंटागिया, कीमत 7 करोड़ रुपए। इसकी इंजन 4000cc का है। रेंज रोवर वोग, कीमत 4 करोड़ 19 लाख। ये गाड़ी 6 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। BMW i8 हाइब्रिड सुपरकार, कीमत 3 करोड़। हाइब्रिड मोड में ये गाड़ी 47 किलोमीटर का माइलेज देती है। अनंत के पास करोड़ों की घड़ियां। अनंत को महंगी घड़ियों का शौक है। अक्सर पार्टीज में वो अपनी प्रीमियम घड़ियों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उनके प्री वेडिंग फंक्शन में फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग ने उनकी घड़ी की तारीफ की थी। उनके वॉच कलेक्शन में शामिल है पैटिक फिलिप ग्रैंड मास्टर 6300G010, कीमत 24 करोड़। इसकी खासियत यह है कि ये दुनिया भर में सिर्फ 7 ही ऐसी घड़ियां हैं। पैटिक फिलिप नॉटिलस 5990-1422G, कीमत है 12 करोड़ रुपए। इसके डायल और स्ट्रैप में पन्ने के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। रिचर्ड मिल RMS 10, कीमत 8 करोड़। इसकी खासियत यह है कि इसका डायल 8 कैरेट गोल्ड और डायमंड से डेकोरेट किया गया है। रिचर्ड मिल RM056, कीमत है 8 करोड़। इस पूरी घड़ी को नीलम के पत्थर से तैयार किया गया है, इसलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। स्विट्जरलैंड में मनाते हैं वेकेशन। अंबानी परिवार स्विट्जरलैंड के रिजॉर्ट में अपना वेकेशन मनाता है, जिसका एक दिन का खर्च है 61 लाख रुपए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
कोविड की दूसरी वेव के दौरान अनंत पूरे परिवार के साथ इस रिजॉर्ट में ठहरे थे। उन्होंने यहाँ रॉयल प्रेसिडेंशियल स्वीट को बुक किया था, जहाँ एक दिन ठहरने की कीमत 61 लाख रुपए है। ये रिजॉर्ट दुनिया के टॉप रिजॉर्ट्स में शुमार है। जानवरों के लिए बनाया शेल्टर होम। अपने प्री वेडिंग फंक्शन के दौरान अनंत ने गुजरात के जामनगर में जानवरों की देखभाल के लिए वनतारा को लॉन्च किया है। ये रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में 3000 एकड़ की जगह में फैला हुआ है। इस प्रोजेक्ट में अब तक 200 हाथियों सहित हजारों जानवरों को बचाया गया है। वनतारा में हाथियों के लिए अलग से शेल्टर भी बना है, जहाँ उनके लिए जकूजी और मसाज जैसी सुविधाएं हैं। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद अनंत अंबानी अपने फैमिली बिजनेस में अपने पिताजी को सपोर्ट करने लगे। वो इस समय रिलायंस जियो के डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए, अब जियो का मालिक लग्जरी लाइफ एंजॉय नहीं करेगा तो कौन करेगा। चलिए तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।